हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पोथ्री एकेडमी। आज हम देखेंगे कि 3D Max कैसे इंस्टॉल करना है। जनरली मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं लोगों के कि 3D Max सर कैसे इंस्टॉल करना है, हमारा कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो जनरली आप अगर 3D Max में काम कर रहे हो, आपका रेगुलर काम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना होता है, सॉफ्टवेयर उड़ गया, कोई इशू आ गया, ऐसा जनरली होते रहता है 3D Max में। तो हम एकदम इजी स्टेप्स में आपको मतलब बताएंगे कि इसमें कैसे सेटअप करना है। एक बार आपको ये पता चल गया तो आपको जस्ट ये सॉफ्टवेयर का फाइल रखना है आपके पास, और कभी भी कुछ भी एरर आता है तो कोई भी वर्जन हो जाएगा, 3D Max, AutoCAD, जो भी है, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये सेटअप फाइल होना चाहिए। सेटअप फाइल ये कहाँ से लिया है आपने, मेरा फर्स्ट वीडियो आपको देखना है कि आपको AutoCAD पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब कैसे आपको रजिस्टर करना है और इंस्टॉलेशन फाइल कैसे डाउनलोड करना है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। मैं लिंक वीडियो का ये आपके नीचे दे रहा हूँ, तो ये लिंक आप देख लेना। अगर आपने अभी तक अकाउंट AutoCAD में ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 3 साल के लिए फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है, कोई भी क्रैक करने की ज़रूरत नहीं अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये फाइल हमने वहाँ से लिया था। तो ये फाइल हम जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि एक सेटअप करके फाइल है, और ये एप्लीकेशन काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एप्लीकेशन का ये सेटअप फाइल देखना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्लिक कर रहा हूँ, इसको डबल क्लिक करना है। तो जैसे पूछता है कि तो जैसे आप यस करते हो तो ये 3D Max का जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हो यहाँ पर चालू हो जाता है। तो राइट नाउ वी आर इंस्टॉलिंग 3ds Max 2017। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज होता है, बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, जस्ट क्लिक ऑन द इंस्टॉल। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप, कंट्री रीजन इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट, एंड एक्सेप्ट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। देन थर्ड स्टेप, यहाँ पे कुछ टिक्स आ गया है, यहाँ पे टिक्स होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। जनरली यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी होता है और एक 2-3 ऑप्शंस होते हैं, बट हम मेरे पास ऑलरेडी 3D Max के 2 वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है, 2018-2020। दैट्स वाई ये मुझे यहाँ पे वो नहीं बता रहा है कि और इंस्टॉल करना है, जस्ट मुझे यहाँ पे 3D Max 2017 का ऑप्शन दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड देन यहाँ पे इंस्टॉलेशन पाथ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ होता है वो सी ड्राइव होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप ये कब बिल्कुल मतलब नहीं चेंज करो, क्योंकि ये एग्जैक्टली लोकेशन जो उन्होंने दिया है, तो हमें आगे भी फ्यूचर में रिलेटेड फाइल के लिए ये काम आने वाला है, तो इसको जनरली चेंज नहीं करना। अगर आपके पास डिस्क ये स्पेस कम है, बेसिकली इसको 2.78 GB का रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 8 GB अभी मेरा खाली है। तो आप कभी भी 3D Max इंस्टॉल कर रहे हो सी ड्राइव में, तो आपको देखना है कि आपके पास मोर देन 5 GB का स्पेस खाली हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये स्पेस खाली है तो आप जब डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो हम कर रहे हैं इंस्टॉल। तो जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 1 of 6 remaining, 1 of 7 remaining, 1 of 8 remaining, सो डिपेंड ऑन हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। मतलब अब मेरे यहाँ पे खाली 6 स्टेप बता रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ऑलरेडी 3D Max 2020-2018 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो वहाँ उसका कुछ फाइल्स ऑलरेडी उन्होंने इंस्टॉल करके रख दिया है 3D Max का, जो सपोर्टिव फाइल्स होता है, लाइक मटेरियल लाइब्रेरी हो गया या कोई और डिटेल हो गया, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके लिए मुझे काफ़ी 6 स्टेप्स ही बता रहा है। जनरली यहाँ पे 15-20 स्टेप्स यहाँ पे आ जाते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये इंस्टॉलेशन होते रहेगा। तो मेरा आपका अभी मैं हमको उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको आगे का स्टेप्स बता रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है सेटअप। तो जैसे कंप्लीट होता है तो हमें ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है AutoCAD का, ये देखो डायलॉग बॉक्स है। तो यहाँ पे लिख के आता है यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, और इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आपके इंस्टॉल हुए उसको टिक आ जाता है ग्रीन कलर का, ये देखो। तो यहाँ पे AutoCAD 3D Max 2017 बैक बर्नर, देन AutoCAD डेस्कटॉप ऐप और समथिंग, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मटेरियल लाइब्रेरी का भी यहाँ पे टिक आएगा, और 2-3 टिक आ जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 2020 मेरे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल है, इसके लिए मुझे 3 ही टिक दिखा रहा है, बट आपके यहाँ पे ज़्यादा भी टिक हो सकते हैं। अगर कोई भी एक्स यहाँ पे रेड साइन आ जाता है, दैट मीन्स आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो दैट मीन्स आपको फिर से री इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। सो वंस यू गेट दिस तो हमें इसके बाद में करना है फिनिश। सो वंस आई फिनिश, ठीक है, तो अपना 2017 का सेटअप हो गया है। तो मैं स्टार्ट बटन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ मैक्स 2077। सी यहाँ पे 3ds Max 2017 यहाँ पे आ गया है। आप इसको राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार कर सकते हो, तो आपके टास्क बार पे ये पिन हो जाएगा। तो बार बार आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पिन टू स्टार्ट, तो आप स्टार्ट में भी इस फाइल में भी पिन कर सकते हो उसको। सो मैं पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया है। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो फर्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करते हो तो यहाँ पे ऑटोडेस्क 3ds Max 2017 अपना प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। सो सी यहाँ पे आपको पूछ रहा है इट इज़ साइन इन, इंटर अ सीरियल नंबर और यूज़ अ लोकल लाइसेंस, ठीक है, नेटवर्क लाइसेंस। सो अगर आपका अकाउंट, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मुझे बताया है कि साइन इन कैसे करना है, मतलब अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पे वो प्रोसेस बताया है कि आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर मिल जाता है। सो राइट नाउ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ, ठीक है। सो हियर फ्रेंड्स, अपना 3ds Max इंस्टॉलेशन होके यहाँ पे चालू हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट इनिशियल विंडो आ गया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो आपका फर्स्ट विंडो आता है, इसको आप क्लोज कर सकते हो। तो बार बार नहीं चाहिए तो आप इसको टिक ये रिमूव करके, शो दिस वेलकम स्क्रीन एट स्टार्टअप, इसको रिमूव करके आप इसको क्लोज कर सकते हो। सो डन। सो इस तरीके से आप कोई भी 3ds Max 17, 18, 19, 20, 21 जो भी आपके पास सेटअप है, आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। सो अगर कुछ डाउट रहेगा इसके ऊपर, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि अब इसके ऊपर आपको रिप्लाई करूँ, और आपका जो भी एरर है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।